नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक भारद्वाज और हम लोग कर रहे हैं ईडीसी के अंदर एक क्रैश कोर्स। एक हम लोग करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को कवर अप करने जा रहे हैं दोस्तों। और यहां पर मैं आपको पूरी ईडीसी कंप्लीट कराने वाला हूं आपकी फिंगर टिप से। यहां पर आप लोग नई नई सारी चीजें सीखेंगे, आपको कैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को एग्जाम टाइम में रिवाइज करना है, ये कोर्स उसी के बारे में। हार्डली 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा ईडीसी आपके उंगलियों पर हो जाएगा। अब आप मंथ में 1 या 2 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो पूरी ईडीसी आपको याद हो जाएगी। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं कार्तिक भारद्वाज के साथ, यानी मेरे साथ। दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल के पहुंच चुके थे, हमारा सफर पहुंच चुका था यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, उसमें क्या किया हमने यहाँ से, यहाँ पे थोड़ी सी डोपिंग की, यहाँ पे जो है किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर को इंजेक्ट किया है ना, लो लेवल डोपिंग की। तो यहाँ पे क्या, वो माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हुए, चाहे होल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पे मैंने होल्स को किया। तो अब ये होल्स को जब मैंने इस तरफ किया तो ये क्या होंगे, ये डिग्रेड होते जाए, डिकम्बाइन होते चल जाएंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इसकी यहाँ पे होल्स घटने शुरू हो जाएंगे, इस तरह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यहाँ से आपने होल्स इंजेक्ट किए हैं, अब होल्स इंजेक्ट किए हैं तो होल्स क्या होंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन से टकराते चले जाएंगे और रिकम्बिनेशन रेट बढ़ता चला जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इस तरह ही कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, डिस्टेंस के साथ भी और टाइम के साथ भी, दोनों चीज दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं। एक तो आप इसे डिस्टेंस के साथ देख सकते हो, दूसरा आप टाइम के साथ देख सकते हो। तो होल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देखते हैं पीएक्स के अंदर, तो ये होती है पीएक्स इजल टू डेल्टा पी प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर एल पी। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैंने आपको डिफ्यूजन लेंथ का फॉर्मूला बताया था जब हम पीछे पढ़ रहे थे, यहाँ पर डिफ्यूजन लेंथ का मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को ये बताया था, एल इक्वल टू अंडर रूट डी डॉट टाउ। तो वो दोस्तों यहाँ से निकल के आता है, जब उसके डेरिवेशन देखेंगे तो वो यहाँ से निकल के आता है। तो मतलब डिफ्यूजन लेंथ जो होती है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, यहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है कितनी लेंथ तक जा रहा है ना, तो ये डिफ्यूजन लेंथ निकालना होता है। अभी मैं बताता हूँ, एक और डेफिनेशन दूंगा डिफ्यूजन लेंथ की यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पे निकल रहा है डिस्टेंस के साथ, ये डेल्टा पी है, यानी जो आपके टी इक्वल टू जीरो पे कितना है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना है, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स ई रेस टू माइनस एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होते चला जाएंगे बाउ एल पी। एल पी क्या है, कैरियर कैरियर डिफ्यूजन लेंथ होती है, मतलब ये वो, अगर मैं एक्स को एल पी के बराबर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ई रेस टू माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन यानी वो डिस्टेंस, एल पी क्या होता है डिफ्यूजन लेंथ, वो डिस्टेंस होती है जहाँ पर जाकर आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हो जाती है 1/e, यानी यहाँ पर जो है इनिशियली थी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई 1/e, क्योंकि एल एक्स की जगह एल पी रखो तो ई रेस्टू माइनस वन, तो ये नीचे आ जाएगा डेल्टा पी ओवर ई। तो वो कंसंट्रेशन जहाँ डिफ्यूजन लेंथ इज डिफाइंड दैट लेंथ एट विच द कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 1/e ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये जो है ये डिफ्यूजन लेंथ होती है। ये होते हैं एक्सिस होल इंजेक्टेड, जो आपने एक्सिस होल्स इंजेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं पीटी की बात करूँ तो मतलब अब टाइम के साथ मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू करेंगे, है ना, टाइम के साथ भी रिड्यूस होते हुए चले जाएंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू पीटी इक्वल टू डेल्टा पी प्लस ई रेस्ट की पावर माइनस टी बाई टाउ पी, है ना। तो टी मतलब टाइम है और टाउ पी मतलब कैरियर लाइफ टाइम होता है, मतलब कब रिकम्बाइन होने, मीन कैरियर टाइम करते हैं, है ना, सबका कैलकुलेट कर लेते हैं मीन कैरियर टाइम, तो कैरियर लाइफ टाइम होता ही है। तो कैरियर लाइफ टाइम को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो ये वो डिस्टेंस होता है, वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर जाकर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी 1/e हो जाएगी। तो माइनस टी की जगह टी पी रख दो तो ये कट के कैंसिल हो गया, ई रेस्ट हुआ माइनस वन हो जाएगा, डेल्टा पी ओवर ई हो जाएगा। तो ये जो है कह सकते हो यहाँ पर क्या, वो जो है डेल्टा टाइम यानी कैरियर लाइफ टाइम, वो कैरियर लाइफ टाइम जो होता है वो डिस्टेंस, वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है आप हमारी जो भी हम इंजेक्ट करते हैं, है ना, होल्स वगैरह जो भी इंजेक्ट, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्ट कर रहे हैं ना होल्स, तो वहाँ पर रिड्यूस होकर 1/e हो जाता है, उसे बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम। होप दोस्तों यहाँ पर ये कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम के साथ कैसे कम होता है और डिस्टेंस के साथ कम होता है। एक चीज़ और, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ने जो है पी नॉट भी ऐड कर देते हैं। पी नॉट का मतलब ये एन टाइप है, तो आपने इंजेक्ट नहीं किया है तो उस टाइम पे भी तो कुछ उसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे ही होंगे ना, मान लो पी नॉट थे। तो कुछ लोग क्या लिख देते हैं, पी नॉट प्लस डेल्टा पी रेस्ट टू पावर माइनस, तो देखिए घबराना मत, पी नॉट क्या आया होगा वहाँ पे उस टाइम पे जो ऐड किया, उसमें पहले से ही होल्स मौजूद हैं। और ये हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमने होल्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं टाइम के साथ, है ना। होप आप लोगों को ये डिफ्यूजन समझ में आ रहा होगा, डिफ्यूजन वाला। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों याद कर लेना, गेट में भी पूछी गई है काफ़ी टाइम।
अब दोस्तों अब एक आती है लैम्डा की। दोस्तों ये फॉर्मूला ना, इसके 5 स्टार या 7 स्टार लगाओ और इस फॉर्मूले को रट लो अभी। लैम्डा सी इज इक्वल टू 1.24 ओवर ई जी, है ना, और ई जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, और जो आपका लैम्डा निकल के आएगा वो माइक्रोमीटर में निकल के आएगा, या फिर ई जी निकालना है तो 1.24 ओवर लैम्डा, लैम्डा माइक्रोमीटर में होना चाहिए। यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ सेंटीमीटर में दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा माइक्रोमीटर में, तभी आपका ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी, है ना, या फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी 1.6 × 10⁻⁶ लगा के, है ना, अदरवाइज नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिटिकल वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्रिटिकल वेवलेंथ क्या है दोस्तों, सपोज करो कि आपको एक आपने आपको एक ये मेटल है, इसके पे से एक इलेक्ट्रॉन छुटाना है, तो आपको जो है कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी आपको जो उससे छुटा सको, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो आपकी जो एनर्जी जो उसके ऊपर फोटोन डाल रहे हैं तो उसकी एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, तभी वो छूट के बाहर आएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन छूट के बाहर नहीं आने वाला है मेटल की बॉडी से, है ना। तो ये जो है आपका जो ईजी होता है, मतलब जो गैप होना चाहिए, जो उसका बैंड गैप है के कंडक्शन और उसके बीच में बैंड गैप, उससे ज़्यादा होना चाहिए आप जो उसमें देंगे, जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो एनर्जी की शुड भी कितनी, आप वो एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, आप जो है उस एनर्जी को निकाल सकते हो 1.24 डिवाइडेड बाई लैम्डा करके वेवलेंथ से। तो मतलब किस तरह की जो लाइट डाल रहे हैं उस पे, तो किस तरह की वेवलेंथ होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों वेवलेंथ से रिगार्डिंग ये भी 2018 के गेट में भी आया था, है ना, रेड ब्लू कलर करके 3 LEDs दे दी थी और आपसे पूछ लिया था कि इसका इसका जो है पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा। बिल्ट इन पोटेंशियल ईजी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर याद रखना, आप जब अगर स्पेशली आप वो भी पढ़ते हो और लेज़र भी पढ़ते हो, लेज़र में भी लाइट एमिशन होता है ना, स्पॉन्टेनियस लाइट स्टिमुलेटेड भी, स्पॉन्टेनियस में भी, तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको याद रखना, उससे मेटल के उसके एनर्जी निकालने के लिए, उससे कुछ इल्यूमिनेट करने के लिए, लाइट छुटाने के लिए एलईडी में यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी जो बैंड गैप की एनर्जी होगी। तो एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.24 ओवर वाई लैम्डा। लैम्डा इज द क्रिटिकल, ये जो लैम्डा हो सकता है वेरी कर सकता है आपका, लेकिन याद रखना ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्रिटिकल वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, है ना। क्रिटिकल वेवलेंथ वो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है जहाँ से इलेक्ट्रॉन छुटा सकते हो। अगर इससे तुम्हारी कम होगी तभी क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तभी आप जो इसको छुटा पाएंगे, अदरवाइज ये क्रिटिकल की ज़्यादा होगी तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, है ना। ये लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा, सॉरी, इसकी जो आपने वेवलेंथ क्रिटिकल से ज़्यादा दे दिया तो आप नहीं छुटा पाएंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो फॉर्मूला है, बस समराइज में, इस वाले फॉर्मूले को आप रट लो कैसे भी करके, है ना। लैम्डा सी इज इक्वल टू 1.24 ओवर ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को छुटाने के लिए वेलेंट बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए आपको कितनी वेवलेंथ की लाइट डालनी है ना, वो यहाँ पे बताता है। और हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन से जितना बैंड गैप है ना, उससे ज़्यादा क्या इलेक्ट्रॉन आपको, क्योंकि फोटोन एनर्जी रखता है, E=hν, तो वो आपकी जो एनर्जी वो ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा जो आप डाल रहे हैं वहाँ पर, मतलब वेवलेंथ जो ज़्यादा होनी चाहिए जो छुटाने के लिए बैंड गैप से चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला मैं हॉल एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ यहाँ पे, है ना, हम लोग हॉल एक्सपेरिमेंट करेंगे। हॉल एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि मतलब इसको देखो, यहाँ से तो बहुत बड़ा हॉल एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने इसको एक समराइज वे में पूरा कराने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं पूरा इसको हॉल एक्सपेरिमेंट को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि अब ये सिलेबस से भी हटा दिया है काफ़ी जगह से, तो लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें तुरंत तुरंत याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे PSCs में पूछा जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। लेक्चर कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।